हेलो एमजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पिछले व्लॉग में ना मैंने एक चीज नोटिस की कि काफी लोग बैंगन का भरता पसंद करते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा कमेंट आ जाएगा बैंगन के भरते के लिए। भाई साहब, ये तो आपने जस्टिस फॉर बैंगन का भरता करा दी हुई है। माता जी मेरी बात सुनो, अगर आगे से कभी भी घर पे बैंगन का भरता बना ना, जबरदस्ती मुझे खिलाना ही खिलाना है, ठीक है। लोगों ने लिख दिया कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर बैंगन का भरता। भाई साहब, मैंने तो लोगों को ऑफेंड कर दिया हुआ है। हमारे बचपन में ना ये जो चीजें होती थी, बैंगन का भरता, टींडे, करेले, इनको बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता था। बट अब मुझे शायद कमेंट सेक्शन को देख के ऐसे लग रहा है सिर्फ मैं ही था जो इन चीजों को निग्लेक्ट करता था। काफी लोग ये पसंद करते हैं और जितने भी लोग मेरे जैसे हैं, यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो हमें भी ये चीजें नहीं पसंद, क्योंकि मुझे फील हो रहा है मैं अलग हूँ और बाकी सारे अलग है। और आने वाले टाइम में पक्का ट्राई करूंगा बैंगन का भरता, बाकी चीजें, एंड जितने भी लोग ऑफेंड हुए ना वो बैंगन वाली भरते की वजह से, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं खाता तो नहीं खाता। अभी तैयार होते हैं, करते हैं मुक्ति होते देते को पिक, उसके बाद करने हैं स्टूडियो के बहुत ही ज्यादा काम, क्योंकि पेंडिंग पड़े हुए हैं और आज एक दिन में इतने ज्यादा काम कर देने ना, आप भी बोलोगे कैसे कर लेते हैं ये लोग, बट करने पड़ेंगे। तो जी हो गया फुल ऑन रेडी टू गो, बट जाने से पहले खाएंगे हम खाना, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो मुक्ति करेगी चै 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 चै, और उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही खा लो घर से खाना। और पीछे ये डिप्रेसिंग ओल्ड बॉयज ने लगाई हुई है डिप्रेसिंग सी न्यूज। मुझे ये नहीं समझ आता, घर पे ना 3-4 टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, मतलब आप देख ही सकते हो पीछे न्यूज़पेपर पड़े, बट इन्होंने ये डिप्रेसिंग सी न्यूज़ देखनी है, मतलब पता नहीं क्यों। जो बंदा भी ये न्यूज़ वगैरह देखता है ना, आई डोंट थिंक उसको कभी पॉजिटिव या अच्छे ख्याल आते होंगे, हमेशा नेगेटिव ही चलता रहता है वहां पे। भाई न्यूज़ जो है ना न्यूज़पेपर में भी आती है, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, बट इतनी ज्यादा नेगेटिव तरीके से वो नहीं पोट रहेगा। मम्मा ने बनाए ये बहुत ही ज्यादा शानदार से दिखने वाले सैंडविच, जिसके अंदर क्या है, ओहो, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज और चीज और सॉस स्पाइसी वाली, और साथ में पानी। ये कोई मामूली पानी नहीं है। अभी रिसेंटली हमने लिया है ये मिट्टी वाला वाटर कूलर, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इतना ज्यादा बढ़िया है ना ये वाटर कूलर की पानी को एक तो ठंडा भी कर देता है और जो अर्थी टेस्ट आता है ना इसके अंदर से, आय हाय शानदार। काफी लोग होते हैं जिनको वो फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, मुक्ति को तो बहुत ज्यादा पसंद ही है, मेरे एक दो दोस्त और हैं जिनको ये पानी का टेस्ट बहुत ही पसंद है, एंड अगर आपको भी पसंद है तो बताना, और अगर आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया तो ट्राई तो बिल्कुल करना। और इसको ठंडा होने का प्रोसेस जो है ना, एक बारी बड़े सरदार साहब से पूछते हैं। पानी जो इसके अंदर होता है ना, वो पोर्स जो है, मिट्टी के पोर्स हैं, उससे बाहर आता है। वहाँ बाहर जब आता है तो वो ओवेपोरेट होने के लिए उसे हीट चाहिए, हीट वो अंदर से ले पानी से लेता है, दैट पानी ठंडा होता है। सरदार साहब ने समझा तो दिया है बट मुझे समझ वैसे आया नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना खाने से और पीने से मतलब रखते हैं। ठंडा पानी मिल रहा है और क्या चाहिए, और सैंडविच बढ़िया सा। घर वाले जो है ना वो ज्यादा ही सीरियस हो चुके हैं, मैंने ये टॉपिक छेड़ लिया ना उनको, मतलब कि रू टच हो गया, उनकी पुरानी यादें ताजा हो गया। वो कह रहे हैं इसके बारे में ये भी बताओ कि इसके फायदे बहुत है। आजकल डॉक्टर जो है ना वो रिकमेंड भी करते हैं, वैसे सच्ची में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मम्मा को थायराइड और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला हुआ है आरओ का नहीं पीना है, आपने ये मिट्टी वाले वाटर कूलर का पीना है। जब हम पहले ट्रैवल किया करते थे, जो भी लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन में, वो लोग यही मिट्टी की सुराही लेके चलते थे, उसमें पानी भरते थे और ठंडा ठंडा पानी पीते रहते थे। बॉटल्स वगैरह उसका कोई सिस्टम, मतलब पोर्टेबल वाटर कूलर साथ में ट्रैवल होता था साथ में। क्या बात है, वैसे जो इंडिया की ये पुरानी पुरानी चीजें है ना, एंशिएंट चीजें, वैसा बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें है। आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा यूज नहीं हो रही है, बट जितना यूज कर सको ना बढ़िया, एंड गल बात है ये चीजें। घर वाले इतने ज्यादा इमोशनल हो गए ना ये पानी वाले कूलर के साथ, अपने पुराने पुराने किस्से शेयर करने लग गए एक दूसरे। कैसा लग रहा है ये टॉपिक के ऊपर बातें करके, पुराने दिन जीने लग गए हो। करते हैं इस तरह का मिट्टी के मटके या इसका पानी, वो जरूर कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओए हाय, मतलब देख रहे हो, मतलब प्रोफेशनलिज्म, मेरे से बड़े यूट्यूबर तो मम्मा बन चुके हुए हैं। लाइक, शेयर और कमेंट, मैं तो बोलना भूल ही गया, मम्मा ने कहा कर दो, कर दो। इस वीडियो में 50,000 लाइक्स तो होने चाहिए मम्मा के नाम पे, देखते हैं मम्मा, अगर 50,000 आ गए ना मान जूंगा आपको। खाना पीना है डन, घर वालों का ज्ञान हो गया डन, अब जो पेंडिंग काम है वो करने हैं हमने, डन 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 डन। अब तक मुक्ति और रुद्र को पिक करते हैं, शायद रुद्र नहीं आएगा, मुक्ति को तो कर ही लेते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ओहो नेपोटिज्म इन द हाउस। चलो उसका नाम नेपोटिज्म नहीं है,
कमेंट सेक्शन में लिखो इसका नाम क्या है, हैशटैग नेपोटिज्म। भाई साहब देख लेते हैं इसका नाम क्या है, जो कमेंट सेक्शन में लिखा आएगा वही नाम से बुलाऊंगा मैं इसको। ठीक है आचल, आचल बोलो से मेरा नाम आचल है, प्लीज आचल शर्मा लिख देना प्लीज। नेपोटिज्म हैशटैग। भाई साहब हम करना खज्जल करते हो, हमें एक दुकान से दूसरी दुकान, चंडीगढ़ से पंचकुला, पंचकुला से मोहाली, मतलब सीरियसली अब तो थक चुके हैं, ऊपर से धूप इतनी ज्यादा है ना। और अब फाइनली जाके ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम जाएंगे स्टूडियो, वहाँ जाके देखेंगे कि किस हिसाब से हमें चीज़ों को खरीदना है। मतलब ऐसी चीज पहले होनी चाहिए थी, स्टूडियो में पहले जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं अब जाएंगे स्टूडियो। कर तुम कितने दुष्ट हो, एक भी बार नहीं पूछा कुछ खाना है कुछ पीना है। तेरे मुंह से खाने की बात, चलो पिलाई दो। मैं तेरे डर से ना, तेरे डर की वजह से घर से खाना खा के आया हूँ मैं। कुछ पानी पिलाओ यार पहले, गर्मी में काम करने बहुत मुश्किल है। मैंने जो पिक्चर बनाई थी उसमें मैंने गर्मी को इंक्लूड नहीं किया था, मैंने सोचा था बहुत काम कर लेंगे यार, काम हो जाएगा और एनर्जी लेवल बिल्कुल लो जाता है अभी तो। मैं तो ये सोचो जून जुलाई में हमारा क्या हाल होगा यार। बेचारी आंचल हमको गालियां दे रही होगी, उसको बेचारी को ऐसी अभी रास्ते में अगर कोई गन्ने का जूस वगैरह हुआ तो पिला। जूस पीएगी? हां जूस पी। हमने डिसाइड किया है कि कोरोना काल चल रहा है तो बाहर से हम जूस नहीं पिएंगे, हम खाएंगे आइसक्रीम, क्योंकि वो पैकेट के अंदर होती है, पैकेट से निकालेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे और खाएंगे। भाई ये तो बहाने, ये बहाने। भैया ऑरेंज मैंगो डॉली दे दो, तीन तीन। तू नहीं खाएगी? मैं नहीं खा रही कोई आइसक्रीम। दो दे दो। अच्छा हम डील करते हैं, अगर बाई चांस इसने बाइट मांगी ना, इसने बोला दिखाना जरा देना नहीं है। हाय हाय कैसे कुत्ते इंसान है। हमने तीन कराई थी, तूने मना किया। आइसक्रीम ने ना पानी की कसर भी पूरी कर दी है और ठंडे की कसर भी पूरी कर दी है। अच्छी है? हाँ बहुत स्वाद है। मैं टेस्ट कर देता हूँ कैसी है। तू ज्यादा सपोर्ट कर रही है उसकी। बचपन में इतनी ज्यादा ऑरेंज बार खाई है और साथ में लेती थी मैं कुरकुरे का पैकेट, उसका रीजन ये है उस टाइम वैरायटी भी ज्यादा नहीं होती थी, तीन चार ही आइसक्रीम आती थी, चॉकलेट में फीस्ट होती थी और नॉर्मल खानी है तो ऑरेंज बार का ये भी फायदा था, सस्ती आती थी, पांच रुपए की आती थी और वही खरीदने के पैसे होते थे, तो पांच रुपए का ये, पांच रुपए का कुरकुरे का पैकेट, वही खाती सीरो स्टार, उसको चूस चूस के इतना मजा आता ना भाई को, जब पूरे लिप्स हो जाते थे ऑरेंज ना, मतलब मैं खाती स्वाद के लिए नहीं थी, मैं लिप्स ऑरेंज करने के लिए खाती। एक तरीके से वो ब्रांडेड बर्फ वाला गोला है। गोला मेरा एम होता था ऑरेंज बार खाने का कि मेरे होंठों को वो ऑरेंज कर दे बस। मम्मी लिपस्टिक भी लगा देती थी, आइसक्रीम खा के लिपस्टिक लगा देती थी। लिपस्टिक से चिन्ह लगा सकते थे ऑरेंज बार करके और पिंक ऑरेंज आते थे बस। ये रही ओंकार की ऑरेंज बार, ऑरेंज बार थी मैंगो डॉली, मैंगो डॉली। ये रही आंचल की मैंगो डॉली, भाई जल्दी जल्दी खा, काम है। तुम सेंसोडाइन यूज किया करो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो जी स्टूडियो के दर्शन हो गए हैं, काम ऑलमोस्ट डन है, मतलब कि ऑलमोस्ट, अब तो बस आपको तब दिखाना है जब वहाँ पे हमने शिफ्ट करना है कि नहीं। ये जो छोटे छोटे काम है इसमें और भी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं ना, बोल पहले ही बहुत टाइम लग चुका है। देखो ना टूटी का कलर, ये वो चीजें बहुत डिटेलिंग वाली है, इसलिए ऐसा लगता है कि हो गया पर जब पता चलता है कि तीन महीने निकल भी गए यार, तो नहीं टाइम तो लगेगा। अब चलते हैं वापस घर को, चलते हैं। बेचारी ने कुछ खाया नहीं, इसको खाना भी, बस आइसक्रीम खाई है, वैसे खाई तो सिर्फ आइसक्रीम है, मैंने भी खाना घर जाके, मैं तो वो भी नहीं खाई। आंचल के कारनामे चेक कर लो, देखो चलान करवाता साडा स्पेशल, ये जिवें खा रही है तो मतलब ये अलाउड नहीं है, जे बाकी दोनों ने मास्क पाए हुए ने एक ना करेंगे सर, तीन बंदे बैठे हो, नहीं नहीं वो नहीं, मास्क नहीं लगा रखे, एक का ही होएगा। नहीं पर वो खा रहे ने, ओदा मतलब किवे, नहीं ओदा 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 मैं समझ गया, चलान तुसी पाए बेशक कर दो, बट जिवें खा रहे ने उस टाइम, वो खा रहे ने उस टाइम उन्होंने खा रहे सीगे ना, ता ही उन्होंने मास्क थले किया सर। खा रहे बैठ के कितने खाना होता है, मतलब चल देख। आंचल जी ये आपका अमानत, प्लीज इसको संभाल के रखिए, फ्रेम करा के रखिए। एक और खुशखबरी, अब तो मास्क ऊपर में नीचे करने लगे थे, भूल गई थी। आज दो दो चलान कटे हैं, उधर आदित्य का नेम उसका प्लेट का नंबर प्लेट का चलान कट गया, इधर हमारा मास्क का चलान कट गया, चलान ही चलान कट रहे। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि पुलिस वाले गलत थे, पुलिस वाले बिल्कुल ठीक थे, इसने मास्क अपना नीचे करके खा रही थी, सिचुएशन ऐसी थी, मास्क तो नीचे करके ही खाएगा बंदा, मतलब कितना मुश्किल है। समझ लो किसी का काम गाड़ी में घूमने का है, जिस तरह हम दो तीन घंटे से गाड़ी में घूम रहे, किसी को भूख लगती है और बाहर बंदा कैसे खा सकता है, रेस्टोरेंट में बैठ नहीं सकते, किसी अंदर नहीं जा सकते, तो चीज ये है गाड़ी साइड पे लगाओ, गाड़ी साइड पे लगा के फिर खाओ, ऐसे चलती गाड़ी में नहीं खाना। तुम ओंकार बोल तो रहे हो कि साइड पे गाड़ी लगाओ फिर खाओ, तो चलान सिर्फ गाड़ी वालों के लिए थोड़ी है, जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी तो चलान है ये, और ये बहुत गलत चीज है। मतलब गाड़ी में हम तीन जो लोग हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, हम घर में एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं, तो हम तीनों के बीच में मास्क का क्या लेना देना। ये एक्चुअली पता क्या है, सरकारी थोड़े से लूप होल्स है जिसका कोई आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। मतलब मैं ऑटोमेटिक हूँ, मैं अगर एक तरह से भी मास्क नीचे करूँ तो अभी कोई पुलिस वाला पीछे पीछे आके मेरा चालान काट जाएगा। समझ लो हमने टेक अवे लिया, तो खाने के लिए मास्क तो नीचे करना पड़ेगा ना, फिर चालान भी देना, मतलब अगर आपने बाई चांस
2 रुपए की टॉफी खरीदी और वो आपको खानी है, आपको वो 1,002 रुपए की पड़ सकती है। सीरियसली, अगर हम घर से भी खाना लेके आता पैक करके तो खाने के लिए तो मास्क नीचे करना पड़ेगा ना। पुलिस वालों की गलती नहीं है क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं पुलिस वालों को नहीं वो करी कंप्लेंट, रूल बनाने वालों को। देयर शुड बी प्रॉपर रूल की एटलीस्ट गाड़ी में बैठ के जहाँ पे 3 लोग एक दूसरे को जानते हैं, बाहर आपको कोई एक्सपोजर नहीं है, आप किसी तीसरे बंदे को एलर्जी नहीं कर रहे हो, तो वहाँ तो एक बंदा बैठ के खा सकता है ना चैन से। सुनने में कि दिल्ली में अगर आप एसी चलाते हैं उसका भी चलाना है, एसी चलाने क्योंकि कह रहे हैं कि एसी से कोरोना फैलता है, मतलब इतनी गर्मी में आपको मर जाओ ना एसी ऑन करो, शीशे हम खोल नहीं सकते क्योंकि बाहर से कोरोना आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है एसी से ज्यादा चांसेस दरवाजा खोलने से ज्यादा है। अगर कोई बाहर छींक मार दे मेरे मुंह पे आके, रेड लाइट पे मैं खड़ी हूँ, तो शीशा खोलना ज्यादा बेटर है या एसी की हवा? कॉमन सेंस के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मतलब समझ में नहीं आते, बहुत सारे लूप होल्स हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं ठीक सोच रही हूँ या मैं गलत सोच रही हूँ, और आपका इसको लेके क्या ख्यालात है। यार अब मुझे ना प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, और मैं ये देख रहा हूँ कोई पुलिस वाला आके ताकि 20 रुपए की पानी की बोतल 1,020 रुपए की पड़ेगी। और सच्ची में इतना मेरा रेवेन्यू नहीं आता जो मैं इतना चलान दे दूं। मैं जब तक आसपास देखती हूँ कोई पुलिस वाला तो नहीं है चलान काटने के लिए, फटाफट पी लो कार। ये भी आता है, टास्क हो चुका हुआ है, गाड़ी में पानी पीना भी। इतनी दहशत फैल गई हुई है ना, ऐसा लगता है 2 मिनट में चलान कट जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे मास्क उतार के पानी पीने की? क्या दिन आ गया यार, कोरोना ने क्या से क्या करा दिया। सीरियसली जिंदगी बदल चुकी है सबकी, अरमान बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं। क्या हो गया ये कोरोना, निकाल दिया लोगों का रोना।